सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। कल्याण कल्पांतकारी, भोलेनाथ कल्याणकारी भी हैं और कल्पांतकारी भी। महाकाल के मंदिर में वो वैदिक ब्राह्मण कागभूषुंडी जी के गुरुदेव, क्या शब्दों की श्रृंखला पेश करते हैं बाबा के समक्ष। बाबा आप कल्याणकारी भी हैं और कल्पांतकारी भी हैं। अब यहां भी आश्चर्य होता है, भोलेनाथ सबका कल्याण करने वाले, हाँ कल्याणकारी, और कल्प का अंत करने वाले, मतलब संसार का लय करने वाले। अब ये कैसा कल्याण हुआ भाई, हाँ भोजन भी देते हो और मार भी देते हो, ये कैसा कल्याण हुआ? शब्द पर गौर करना, समझना ठीक से। भोजन देना वह भी कल्याण है और लय करना वह भी कल्याण है। कैसे? जैसे एक माँ अपने बच्चे को दुग्धपान कराती है, छोटा होता है तो अपने हाथों से खिलाती भी है, हाँ, और बाद में जब भोजन करा दिया, खिला दिया, पेट भर गया, तो धीरे से ले जा करके उसको सुला भी देती है। लय महानिद्रा, महासमाधि। संसार का लय ईश्वर करता है, और रोज छोटे बच्चे को माँ अपनी गोद में लेकर लय ही तो करती है, विश्राम ही तो देती है सुलाकर। भगवान शंकर भी तो वही करते हैं, 80-85-100 वर्ष जीने के बाद भोलेनाथ कहते हैं बेटे बहुत थक गया होगा, चल आ मैं तुझे सुला देता हूं, और भोलेनाथ मृत्यु की गोद में उसको परम विश्राम देते हैं। ये जीव का विश्राम है। एक आदमी मर गया था और उसका शव वहां पड़ा था, तो घर वाले सब रो रहे थे, अड़ोस पड़ोस के सब लोग इकट्ठे हो गए, सब छाती पीट पीट करके रो रहे हैं कि हाय मर गया मर गया। एक महात्मा वहां आए तो महात्मा ने कहा क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो, ये क्यों इतनी भीड़ लगी? बोले महाराज ये बेचारा मर गया। महात्मा ने उसको देखा और मुस्कुराए, वह लेटा था जमी पर, लोग कहते मर गया, वो लेटा था जमी पर, लोग कहते मर गया। महात्मा ने कहा रे बेचारा वो था सफर में, आज अपने घर गया, वो मर नहीं गया, वो था सफर में, आज अपने घर गया। अभी तक वो बेचारा भाग दौड़ इधर उधर भटकता रहा, आज परम निद्रा में पहुंचा है, परम समाधि। मृत्यु महानिद्रा, इसलिए कल्याणकारी भी हैं और कल्पांतकारी भी, कहीं ना कहीं कल्याणकारी ही। भाई मृत्यु बुरी नहीं है, जन्म का जितना महत्व है मृत्यु का भी उतना महत्व है, और अकाट्य सत्य है साहब, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपनी साथ लेकर जाएगी, जिंदगी तो बेवफा है। आंख खुलती है तब पता चलता है कि कोई जिंदगी भी है, पहले भी मृत्यु ही थी और बाद में मृत्यु भी हो, ये जीवन तो बीच में मिला है। जीवन के पहले भी वही था, जीवन के बाद भी वही है, बीच में ये जीवन एक भ्रम ही तो है। जब पहले भी वही था बाद में भी वही होगा, तो ये बीच में जो है ये भ्रम ही तो है। महत्व जन्म का जितना है मृत्यु का भी उतना ही है, बहुत ध्यान से सुनना। मोटर कार में एक्सीलेटर तो हो,
खूब एक्सीलेटर हो लेकिन ब्रेक ही ना हो तो क्या होगा? भिड़ेगी गाड़ी, एक्सीडेंट होगा। बहुत मौज में सुनना भैया, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना। एक्सीलेटर का जितना महत्व है ब्रेक का भी उतना ही महत्व है, जन्म का जितना महत्व है मृत्यु का भी उतना महत्व है। अब सोचो संसार में जन्म ही जन्म होता जाए, जन्म ही जन्म होता जाए, कोई मरे ही ना, कितनी मुसीबत हो जाएगी, कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। आज हमारे देश में जनसंख्या कानून की बात उठ रही है, हाँ सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाया जाए। वो तब है जब लोग मर भी रहे हैं, और सोचो कभी कोई मरे ही ना, क्या हालत हो जाएगी हमारे देश की। घर में एक सास होती है तो बहुओं को कितनी मुसीबत होती है, सोचो कोई मरे ही ना, 20-25 सास एक ही घर में इकट्ठी हो, क्या होगा फिर। इसलिए जन्म का जितना महत्व है मृत्यु का भी उतना महत्व है। भगवान शंकर लय करने वाले देव है, कल्पांतकारी। ये कल्पांत करना भी भोलेनाथ का एक प्रकार से कल्याण करना ही है। जैसे मां अपने बच्चे को सुला देती है, वो क्या हुआ, लय किया, ऐसे ही भोलेनाथ भी 100 वर्ष जिंदगी जीने के बाद व्यक्ति को जब लय करते हैं तो वह लय, वह मृत्यु नहीं है। भोलेनाथ कहना चाहते हैं कि बेटे बहुत थक गया, आ मेरी गोद में आ, मैं तुझे सुला देता हूं। भगवान निद्रा में लेकर जाते हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।